नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर उत्तराखंड से है, जहां मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में चाय विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बोर्ड में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए कि चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली को इसके लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य में चार नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाए, साथ ही चाय बागानों से उत्पादित हरी पत्तियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य को निर्धारित करने हेतु एक समिति भी गठित की जाए। यह समिति प्रत्येक वर्ष हेतु न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम विक्रय मूल्य फार्म गेट मूल्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टी गार्डन विकसित करने में चाय विशेषज्ञ अवश्य रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो निजी चाय फैक्ट्रियां किसी भी कारण से बंद है, उन्हें चलाने हेतु प्रयास किए जाएं। यदि निजी फैक्ट्रियों के मालिक इन्हें चलाने में सक्षम नहीं है तो बोर्ड के द्वारा इन्हें चलाए जाने हेतु प्रयास किए जाएं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें आजीविका का साधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय विकास बोर्ड की बैठक वर्ष में चार बार आयोजित की जाए। इससे बोर्ड और किसानों की समस्याओं से अवगत होने के अधिक अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में टी गार्डन पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान तक विभिन्न स्थानों पर कुल 1387 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर चाय प्लांटेशन किया जा चुका है। वर्तमान में बोर्ड द्वारा निर्मित की जा रही चाय को उत्तराखंड टी ब्रांड नेम से रजिस्टर कराते हुए बिक्री किया जा रहा है। वर्तमान में बोर्ड द्वारा जैविक अजैविक ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी व ग्रीन टी तैयार कर स्थानीय स्तर पर स्वयं के शोरूम, दुकानदारों या पोस्टल सेवा एवं कोलकाता ऑक्शन हाउस के माध्यम से बिक्री की जा रही है। चाय की बिक्री बढ़ाने व अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतु शासन स्तर से शासकीय कैंटीनों व अन्य संस्थानों को चाय की मांग बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। इस अवसर पर उद्यान मंत्री श्री सुबोध उनियाल, उपाध्यक्ष चाय विकास बोर्ड श्री गोविंद सिंह पिलखवाल, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पवार, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन, उद्यान व हरवंश सिंह चुक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।